देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में शनिवार को लगी आग से हर कोई हैरान है। इतने महत्वपूर्ण संस्थान में आग आखिर लगी तो लगी कैसे, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही फॉरेंसिक टीम पुलिस को अपनी रिपोर्ट देगी और इस बीच एम्स प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। गौरतलब है कि शनिवार शाम करीब 5 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से एम्स के टीचिंग ब्लॉक में पहले और दूसरे फ्लोर पर आग लग गई थी जो 5वीं मंजिल तक पहुंच गई थी। दमकल की 34 गाड़ियों की मदद से काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन लगातार धुआं उठ रहा था और बाद में AC का कंप्रेसर फटने की वजह से 5वीं मंजिल पर फिर आग लग गई। हालांकि आग की इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। एहतियात के तौर पर एम्स का इमरजेंसी विभाग बंद कर दिया गया और अच्छी बात यह है कि सभी मरीज सुरक्षित हैं। वहीं एम्स के प्रशासन ने अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC 336 और IPC 436 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।